नमस्कार धनारी के अंदर 9 तारीख को सुबह सुबह अवैध खनन या मुड़ निकालने का जो मैटर था, एक कहीं पर डूडियों की नाड़ी में मुड़ निकाल रहे थे। मुड़ का एक बहुत संवेदनशील मैटर रहता है गांव में, किसी गांव में मुड़ नहीं होती तो वो पड़ोस के गांव में मुड़ भी नहीं देता है। वहाँ के ग्रामीणों ने ऑब्जेक्शन किया कि हम हमारी नाड़ी से आपको मुड़ नहीं ले जाने देंगे। तो वहाँ पर दो गुट भिड़ गए तो वहाँ पर थानेदार मौके पर पहुँचा। जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने थानेदार को फ़ोन किया, मैं दिल्ली में थी, कि क्या मामला हुआ है कि साहब ऐसे दो गुट भिड़ गए हैं। तो मैंने कहा ऐसा करना, समकक्ष दृष्टि रखना और दोनों को पाबंद कर दो। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई है तो आप दोनों को पाबंद कर दीजिए, कि बिल्कुल हम दोनों को पाबंद कर देंगे। एक घंटे बाद मुझे बताया गया कि किसी थर्ड पर्सन को पाबंद कर दिया है और JCBs वहाँ पर चल रही हैं। मैंने थानेदार को फ़ोन किया कि JCB वहाँ पर चल रही हैं और आपने एक ही पक्ष को क्यों पाबंद किया है, कि नहीं मैंने दो कॉन्स्टेबल्स वहाँ छोड़ दिए हैं और JCB नहीं चलने देंगे हम। मैंने कहा JCB सीज कर लीजिए आप। थोड़ी देर में पता लगा कि पूरे दिन JCB चलती रही, पुलिस कॉन्स्टेबल्स वहाँ क्या कर रहे थे इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, और पूरे दिन खनन होता रहा, ये SHO की नॉलेज में था। मैं बहुत कम केसेस के अंदर फ़ोन करती हूँ और SHO लेवल पे तो बहुत कम करती हूँ, कोई मैंने शायद मुझे लगता है पहला केस होगा जिसमें मैंने 4 महीने में फ़ोन किया होगा। उसके कुछ देर बाद ग्रामीणों में रोष आया, वो सरपंच से बात करने की कोशिश कर रहे थे, सरपंच कहीं पुलिस के साथ में जा रहा था, प्रशासन का जोर दिखा था, तो यंग बच्चे थे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने डंडा लेके खड़ी हुई गाड़ी के कांच तोड़ दिए। हमने उन बच्चों को पेश करवा दिया कि निश्चित रूप से आपने गलत किया है, ऐसे ये तो इस तरीके के प्रकरण नहीं करने चाहिए। उस पक्ष की 4 FIR दर्ज करते हैं एक मामले के अंदर। एक मामले में आप एक ही कर सकते हैं, रंगदारी, फिरौती, लूट जैसी धाराओं में लगाकर उनको बहुत कुख्यात अपराधी प्रेजेंट करके इस तरीके से किया, और जो सामने वाला पक्ष था उसकी एक भी FIR दर्ज नहीं करी। उसके बाद में हमने बात करी, मैं दिल्ली से यहाँ पे लैंड कर गई थी, मुझे पता लगा, और जैसे मैं घर पहुँची तो पब्लिक डोमेन के अंदर डिटेंशन की कस्टडी के एक बच्चे का वीडियो आ गया। मैं थानेदार को फ़ोन लगाया कि पुलिस कस्टडी के अंदर आप किसी प्रकार का वीडियो नहीं बना सकते, क्या आप ये जानते हैं? गिरफ्तार व्यक्तियों के अपने एक अधिकार होते हैं, राइट टू डिग्निटी होती है, और दूसरी बात आप उसको कंपेल नहीं कर सकते अपने खिलाफ स्वीकार या कबूलनामा करने के लिए। तो उसने कहा ये मैं जानता हूँ, मुझे SP ने निर्देश दिया है ये बनाने के लिए। मैंने उसके बाद पूछा कौन आया हुआ है, एडिशनल SP आए हुए। मैंने एडिशनल SP से बात करी, एडिशनल SP से मैंने पूछा आपको क्या नॉलेज है कि पुलिस डिटेंशन के अंदर वीडियो बन गया है, और वीडियो बनाया गया यातनाओं देने के बाद में, वीडियो का कैमरा किसने पकड़ा? जब पुलिस कस्टडी के अंदर है तो पुलिस के अलावा तो उसको कोई बना नहीं सकता है, कि मुझे पता नहीं है, मैं पता करता हूँ। उसके बाद मुझे जो वहाँ पर लोग थे ग्रामीण, वहाँ से पता लगा कि वहाँ नाई बुला लिया गया है सिर मुंडवाने के लिए। SP से संपर्क साधने की कोशिश करी, SP ने बात नहीं करी। मैंने IG से संपर्क साधा, उन्हें बताया, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ IG की तीव्रत कार्रवाई के कारण हम उस सिर मुंडन को रुकवा पाए। उन्होंने तुरंत बात करी और सिर मुंडन को रुकवाया, लेकिन तब तक दाढ़ी और मूंछ बनवा दी गई थी। मैं इस बात को पूरी तरीके से अब जोधपुर ज़िले में मुहिम की तरह चलाऊँगी, कि कुख्यात अपराधी कोई आप पे अटैक करता है और पुलिस बचाव में उसके ऊपर कोई अटैक करती है वो एक अलग बात है। आम केसेस के अंदर, नॉर्मल केसेस के अंदर, एक वन टाइम कोई कांच तोड़ दिया, कोई धक्का मुक्की कर दी, ऐसे प्रकरणों के अंदर आप पुलिस डिटेंशन में जो ये ह्यूमिलेशन कर रहे चाहते हैं, जिसको पब्लिक ह्यूमिलिएशन कहते हैं, पब्लिक शेमिंग करते हैं, जो आप खुद ही वहाँ जज बनते हैं कि हाँ हम इससे कबूल करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, वो होगा कि नहीं है, कि नहीं है, किस इरादे से लाया गया है, पुलिस की ईगो तो नहीं हो गई कहीं पे, आपसे दो बात कर ली, बहस कर ली, आप उठा के लेकर आए, चेप दिया आपने और आपने कबूलनामा करवा दिया। मैंने IG साहब से रिक्वेस्ट करी और बिल्कुल वो मेरे साथ इस बात को अग्री करते हैं, और उन्होंने थाने के अंदर ये कह दिया, मैसेजेस कर देंगे, कम से कम नॉर्मल जो ये जो प्रथा चल गई है कि हम कबूलनामा करवाएंगे, वीडियो बनवाएंगे, उनको वायरल करवाएंगे, ये सब तरीके से बंद होगा। और मेरी SP जो हैं, एडिशनल SP से बात हुई थी, और मेरी धर्मेंद्र यादव SP को भी ये कहना है कि ये पैर तोड़ना, टांग तोड़ना, ये सारे वीडियो कबूलनामे के, ये सारे के सारे जोधपुर ग्रामीण के क्यों आ रहे हैं? DCP आपके कमिश्नरेट के तो नहीं आ रहे? इनसे पहले 2 SP थे, राहुल बराट और अनिल कयाल, तब तो नहीं आते थे? आपके इतने सारे ज़िले आप देख लेना, वहाँ तो नहीं आते थे? तो मुझे लगता है कि आपको हार्ड कोर अपराधी और नॉर्मल रूटीन अपराध जो हो रहे हैं, जो भी जिसकी कार्य, उसमें आपको अपनी इस तरह की शैली को बदलना पड़ेगा। RTI लगा रही हूँ मैं, सबसे ज्यादा इन्हीं के कार्य में टूटे। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने इंक्वायरी कराएंगे इस पूरे मैटर की,
और उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त कर दिया और कैटेगोरी के ये कह दिया कि इस तरीके के आम अपराधों के इस तरीके के पुलिस डिटेंशन के अंदर ये वीडियोज़ नहीं बनेंगे। थैंक यू।